स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कैटलिस्ट का ही एक्सटेंशन है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कैटलिस्ट एज ए जनरल कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पर हमने पढ़े थे होमोजीनियस हेटरोजीनियस कैटलिस्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी एंड अबाउट द एंजाइम एक्टिविटीज। तो कह रहा है, इन केस ऑफ हेटरोजीनियस सॉलिड कैटलिस्ट द कैटलिस्ट मे बी मेटल, मेटल अलॉय, मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड। द इफेक्टिवनेस ऑफ ए कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन द टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, वन इज एक्टिविटी, अदर इज सेलेक्टिविटी। इसे मतलब क्या होगा बेटे, कि देखिए कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा अभी तक कि हमने फ्यूचर में, कि मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई निकल है, प्लेटियम है, प्लेटियम है, प्लेटिनम है, आयरन है। ये हमने पढ़े हैं कि मेटल, प्योर जो मेटल हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। उसी तरह जो मेटल के अलॉयज हैं जैसे जिंक और कॉपर है, निकल एंड एल्यूमिनियम है, और मेटल ऑक्साइड जैसे Fe2O3 है, Cr2O3 है, Al2O3 है, ये मेटल के सल्फाइड है, आर्सेनिक सल्फाइड है, एंटीमनी सल्फाइड है। ये सारे के सारे जो क्या हैं, बहुत जगह पे कैटलिस्ट काम करते हैं। तो इनके दो इम्पॉर्टेंट फीचर हैं। ये पहला फीचर क्या है, पहला फीचर है एक्टिविटी, दूसरा क्या है सेलेक्टिविटी। ओके, तो यहां पर एक्टिविटी का मीनिंग क्या है, एक्टिविटी का मीनिंग है द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट की एबिलिटी कि वो रेट ऑफ रिएक्शन की तरह बढ़ाता है। जैसे यहां पर देखिए, तो अगर आप टॉपिक नंबर 3 पे एक सेकंड देखें, तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय फैक्टर 10^10 टाइम्स। तो जो 10^10 टाइम्स का इंक्रीज होता है रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, वो कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्यों करते हैं ऐसे, क्योंकि कैटलिस्ट रिक्वायर्ड एक्टिव एनर्जी के लेवल को लो कर देता है। अब ये जो एक्टिविटी है कैटलिस्ट की, उसकी फीचर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो आंसर है, द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द केमिसॉर्प्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट। नंबर वन, वो जो गैस है वो केमिसॉर्प्शन होना चाहिए। हमने पढ़ा था जब हमने एडसॉर्प्शन फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन में पढ़ा है, तो वहाँ पर हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा था कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट को चूज करती हैं फॉर इट्स एडसॉर्बिंग। जैसे हाइड्रोजन का जो एडसॉर्प्शन है चारकोल में फिजिकल है, लेकिन निकल और प्लेटिनम पैलेडियम पर क्या है, केमिकल है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर लेकिन इसका मतलब चारकोल का यूज हम नहीं कर सकते फॉर द हाइड्रोजनाइजेशन रिएक्शन। अगर हमें कहीं पर हाइड्रोजनाइजेशन करवानी है तो हमें निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इसका ही यूज लेना पड़ेगा। द रिएक्टेंट, तो सेकेंड पॉइंट क्या है, द रिएक्टेंट मस्ट एब्जॉर्ब रीजनेबली स्ट्रांगली फॉर द कैटलिस्ट टू बी एक्टिव, बट नॉट एब्जॉर्ब सो स्ट्रांगली दैट दे बिकम इमोबलाइज। जो बॉन्डिंग है, जो एडजॉर्प्शन है, वो केमी एडजॉर्प्शन होनी चाहिए, लेकिन इतनी स्ट्रांगली नहीं होनी चाहिए कि वो बॉन्ड ब्रेक ही ना हो। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट में क्या है, पहला दो, इसका मतलब है दो, यहाँ पर दो सिरों के बीच में, दो पोल्स के बीच में एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट को हम बोल सकते हैं। नंबर वन कि एडजॉर्प्शन हो जाना, केमी डिजॉर्प्शन होना रिएक्टेड मॉलिक्यूल का। दूसरा क्या होता है, केमी डिजॉर्प्शन होने के बावजूद भी दे डू नॉट बिकम इमोबलाइज, वो इमोबलाइज नहीं होते, वो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में जुटे रहते हैं। अब चेक कीजिए हमारे सामने क्या है, हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जो सबको मालूम है यहाँ पे कि जो ग्रुप नंबर 1 और 2 हैं, ये एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स हैं। ग्रुप 18 से ग्रुप 13 ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर मोस्ट ऑफ द केसेस ये नॉन मेटेलिक बेसिस। लेकिन जो 3 से ग्रुप, यहाँ से ग्रुप 12 देखिए, 3 से ग्रुप 12 देखिए, ऑल ऑफ देम आर ट्रांजिशन मेटल्स। क्या ये ट्रांजिशन मेटल है? और बीच में देखिए यहाँ पर 57 to 52, और यहाँ पर आपका 89 to 104 देखिए, ये 57 वाला ये लैंथेनॉइड सीरीज है, और 89 के बाद क्या है आपका एक्टिनॉइड सीरीज है। लेकिन हमें खैर जो मेन पॉइंट हमें डिस्कस करना है कि ग्रुप 5 से लेके, कहाँ से लेके, ग्रुप 5 से लेके और ग्रुप 11 तक के जो एलिमेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एज ए कैटलिस्ट।
ग्रुप फाइव कौन कौन से, जैसे वेनेडियम का ग्रुप है, क्रोमियम वाला ग्रुप है, मैंगनीज वाला ग्रुप है, आयरन वाला ग्रुप है, कोबाल्ट वाला ग्रुप है, निकल वाला ग्रुप है और कॉपर वाला ग्रुप है। ये जो 5 to 11 नंबर का ग्रुप है, और इसमें से भी क्या है जो 7 to 9 है, मतलब मैंगनीज आयरन और कोबाल्ट वाला जो तीन ग्रुप है ये ओवर एक्टिवेट है। लेकिन फिर भी चलिए एक जनरलाइजेशन कर लेते हैं, 5 to 11 जो है एलिमेंट्स हैं, जो ये एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इनके नीचे, ठीक है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, निकल है, पैलेडियम है, प्लैटिनम है, दीज आर हाईली यूज्ड एज व्हाट कैटलिस्ट इन वेरियस केमिकल रिएक्शन। अब देखिए अगर हम चेक करें कि एक्टिविटी के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, दोबारा से चेक कर रहे हैं, तो एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, द एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ केमिसॉर्प्शन, नेक्स्ट दैट एडसॉर्प्शन शुड बी रीजनेबली स्ट्रांग बट नॉट सो स्ट्रांग दैट एडसॉर्ब मॉलिक्यूल्स बिकम इमोबिलाइज एंड देर इज नो प्लेस फॉर अदर रिएक्टेंट टू गेट एडसॉर्ब्ड। क्लियर ना, कि एक एडसॉर्ब होके एक्टिव एनर्जी लिया, क्योंकि एडसॉर्प्शन खुद अपने आप में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे एग्जाम्पल है, अगर आप H2 को और O2 को अंडर नॉर्मल कंडीशन रिएक्ट करवाएंगे तो लगभग रिएक्शन होगा ही नहीं, और इट विल टेक ईयर्स टू फॉर्म वाटर, ठीक है। लेकिन अगर आप H2 प्लस O2 का रिएक्शन लेते हैं और प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट लेते हैं तो क्या होगा, तो वाटर मिलता है विद एक्सप्लोजिवनेस, वेरी हाई स्पीड। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्लेटिनम है वो एक्टिविटी रिलीज कर रहा है, कितने रिलीज कर रहा है, 10^10 टाइम्स। तो अगर प्लेटिनम नहीं होगा तो यू कैन कीप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ए बीकर फॉर इयर्स, नथिंग विल हैपन, बट जस्ट इंट्रोड्यूस प्लेटिनम व्हाट विल हैपन, इमीडिएटली यू आर एबल टू गेट व्हाट, इमीडिएटली यू आर एबल टू गेट द वाटर, सो दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। अब देखिए हमारे सामने एक और रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल हेप्टेन लेंगे, उसको हीट कर देंगे, नथिंग विल हैपन, बट आप अगर आप नॉर्मल हेप्टेन लेंगे प्लेटिनम का रिएक्शन करवाएंगे तो यू विल हैव अ प्लेटी फॉर्मिंग, क्या बोलते हैं इसको, प्लेटी फॉर्मिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेटी फॉर्मिंग, फॉर्मेशन ऑफ टॉलिन एज द वन ऑफ द प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी। द सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट रेफर्स टू इट्स अबिलिटी टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू फॉर्म ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग अदर्स, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने की जो तरीका है एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट से, तो एक कैटलिस्ट को हमने सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाना है मान लीजिए, तो अगर मैं यूज़ करूँगा कॉपर एज ए कैटलिस्ट तो क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैं यूज़ करूँगा कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड एज कैटलिस्ट और Cr2O3 को क्या यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, आपका प्रमोटर, तो मेरे को क्या मिलेगा, इथेनॉल एज दी सॉरी मिथेनॉल एज द प्रोडक्ट। और अगर हम यूज़ करेंगे निकल को, क्या यूज़ करेंगे, निकल को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, वी विल गेट मिथेन एज अ प्रोडक्ट। तो मिथेन चाहिए, तो मिथेन चाहिए तो निकल कैटलिस्ट है, इथेनॉल चाहिए तो कॉपर और जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट है, और अगर हमें चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड तो फिर क्या है, फिर कॉपर अलोन इज द कैटलिस्ट। तो डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम एक कैटलिस्ट को सिलेक्ट करेंगे टू ऑब्टेन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, श्योर अबाउट दैट और नॉट, क्लियर। तो कैटलिस्ट आर वेरी स्पेसिफिक and selective in their nature, so a substance which act as a catalyst in one may fail act as a catalyst in another reaction, clear नहीं clear, तो ये point आपको clear होना चाहिए, sure। देखिए selectivity का best example क्या है, selectivity का best example है कि आपके पास क्या है, आपके पास मान लीजिए यहाँ पर है acetylene, that is called ethane gas, तो आपने क्या यूज़ किया, आपने हाइड्रोजन लिया और प्लेटिनम को या पैलेडियम को कैटलिस्ट लिया, दूसरे केस में आप हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट लिया प्लस आपने हल्का सा सल्फर भी ले लिया,
इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू टेक सल्फर यू कैन टेक बॉइलिंग ज़ाइलीन. तो क्या होगा, इथाइन ट्रांसफॉर्म इनटू इथेन बाय द प्लैटिनम, बट इथाइन ट्रांसफॉर्म इनटू ओनली इथीन इफ यू यूज हाइड्रोजन इन पैलेडियम बाय यूजिंग बेरियम सल्फेट एज ए पॉइजनिंग एजेंट. इसका मतलब क्या हुआ, आपने सेलेक्टिवली जो एच टू प्लस पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट या पैलेडियम प्लस सॉलिड कॉपर जो कार्बोनेट है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लिंडलर कैटलिस्ट. तो इथाइन को आपने सेलेक्टिवली इथेन बना दिया या इथेन बना दिया, इट डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ द कैटलिस्ट. दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट. एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स विच कैटालिसिस द बायोकेमिकल रिएक्शन इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो एंजाइम क्या है बेटे, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मान लीजिए. जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑल केमिकल्स, केमिकली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन विद मोलर मास कैन गो अप टू 10^6 ग्राम पर मोल. 10 लाख तक इनका मोलर मास हो सकता है. छोटा सा जो अब आप चेक कीजिए हमारे बॉडी में जो इंसुलिन है उसमें भी 51 अमीनो एसिड्स होते हैं. तो जितने भी केमिक जो भी हमारे में एंजाइम और हार्मोन्स हैं, दे आर व्हाट, दे आर प्रोटीन्स एक्चुअली. तो और ये क्योंकि प्रोटीन्स के क्या होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स. तो इनका जो मोलर मास है बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लाखों में हो सकता है और होता भी है. अगर मान लीजिए विदाउट डाइजेस्टिव एंजाइम इट विल टेक ईयर्स टू डाइजेस्ट जस्ट वन मील. अब जैसे हमारी बॉडी अपनी बॉडी में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम्स जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे अपने सिस्टम में वो 10^20 टाइम्स बढ़ जाता है. इसलिए हम क्या करते हैं, सुबह खाते हैं दोपहर तक फिर भूल जाती है, दोपहर खाते हैं शाम तक फिर भूल जाती है. रीजन क्या होता है, 10^20 टाइम्स स्पीड कर दिए ना डाइजेशन को, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज इट विल टेक ईयर्स टू डाइजेस्ट दैट फूड, ठीक है ना. हम जो आपने देखा होगा जो मिल्क है वो कर्ड बन जाता है, जो स्टार्च है वो ग्लूकोज बन जाती है, जो इथाइल अल्कोहल है वो एसिटिक एसिड बन जाता है या एल्कोहल बन जाता है. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, एंजाइमिक एक्टिविटीज. इन सब में एंजाइमिक एक्टिविटीज होती है. जो एंजाइम है, जो लैक्टोबैसिली एंजाइम है वो मिल्क को कर्ड बना देता है, जो अमाइलेज है वो स्टार्च को ग्लूकोज बना देता है, जो लैक्टेज है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज बना देता है, ठीक है ना. और इसी तरह जो आपने पढ़ा हुआ है जो इन्वर्टेज है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है. तो ये बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे कह रहा है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. तो इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को जो इन्वर्टेज है वो सॉरी केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देगा, ठीक है ना, क्लियर क्लियर. उसी तरह से जो जाइमेज है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल, जब वो जाइमेज करते हैं तो जाइमेज क्या है, ग्लूकोज को इथेनॉल और कार्बोनेशन में चेंज कर देगा, क्लियर क्लियर. उसी तरह जो स्टार्च है जो डायस्टेज एंजाइम है उसको माल्टोज में चेंज कर देगा. तो ये जो एग्जाम्पल हैं आपको याद करने हैं, ठीक है ना, कि कौन सा एंजाइम कौन सा रिएक्शन करवा रहा है. आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियरली अंडरस्टूड. तो ये आप याद कर लीजिए. जैसे दोबारा समझिए, इन्वर्टेज क्या करता है, इन्वर्टेज केन शुगर को ग्लूकोज फ्रक्टोज में, जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में, डायस्टेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है. सिम्पटम क्या है, जब माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इंटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड कौन करता है, यूरेज. यूरेज एंजाइम क्या करता है, ये काम करता है. तो यूरेज क्या करेगा, यूरिया को अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट कर देगा. सिमिलरली हमारे स्टमक में पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन टू पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं. उसी तरह जो इंटेस्टाइन पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को ये इंटेस्टाइन में बनाता है और ये स्टमक में. तो स्टमक में कौन सा है, स्टमक में हमारे पास पेप्सिन और इंटेस्टाइन में क्या है, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन. दोनों का सेम काम है, प्रोटीन टू पेप्टाइड्स, प्रोटीन टू अमीनो एसिड्स. उसी तरह क्या होता है,
मिल्क इनटू कर्ड, लैक्टोबैसिलस जो एंजाइम है वो क्या करता है, इट विल कन्वर्ट कर्ड इनटू, सॉरी फॉर्म कर्ड फ्रॉम द मिल्क। ये भी आपको मेमोराइज करना है। तो ये अच्छे ढंग से अगर आप मेमोराइज, ये कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड लेवल पे आ सकता है, इनके एंट्रेंस में आने के चांस नीट में तो हैं लेकिन जेईई मेंस में बहुत कम होते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है वो पढ़ना है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो नंबर वन में है उनकी हाई एफिशिएंसी, एंजाइम कैटालिसिस इंक्रीज द रिएक्शन बाय 10^8 to 10^22 टाइम्स एज कंपेयर टू अनकैटालिसिस रिएक्शन। द एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ द एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म 1,000,000 ऑफ मॉलिक्यूल पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने चेक किया था कि जो हमारे बॉडी के अंदर ही जो डाइजेस्टिव एंजाइम है रेट ऑफ रिएक्शन को 10^20 टाइम्स कर देते हैं, तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो 10^8 से लेके 10^22 के बीच में वेरी करती है, और एक मॉलिक्यूल 10,000,000 मॉलिक्यूल के लिए काफ़ी होता है। फिर क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एंजाइम इज रिक्वायर्ड, एज स्मॉल एज 1,000,000th ऑफ 1 mole कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय 10^3 to 10^6। तो अब चेक कर लीजिए, 1,000,000 रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है अगर हम 1/10^6 रिएक्शन रिएक्टेंट यूज करते हैं। मान लीजिए अगर 10^6 मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के, तो एक मॉलिक्यूल काफ़ी है किसके लिए, कैटलिस्ट का। स्पेसिफिसिटी ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं एंड एंजाइम कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। Almost every biochemical reaction controlled by its own specific enzyme. For example, urease catalyst only hydrolysis of urea. Clear आपको ये बात? तो ये बहुत important है, ये specificity तो बहुत ही important है कि जो enzymes हैं they are highly specific in nature. Next जो important point है वो बहुत important है, that is called what? That is called optimum temperature. क्या बोलते हैं इसको, optimum temperature. The rate of the enzyme reaction becomes maximum at a definite temperature known as optimum temperature. For example, the enzyme catalysts are active at a moderate temperature between 298 to 310 Kelvin, while human body temperature is 10^310 Kelvin. इसका मतलब क्या हो गया, जो enzymic activity है वो enzymic activity क्या होती हैं, वो 27 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत ही ऑप्टिमम होती हैं। तो ये जो टेम्परेचर है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये जो टेम्परेचर है बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर रेंज है जिसमें क्या होता है, एंजाइमिक एक्टिविटी बहुत पार्टी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हमें फीवर होता है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। रीज़न वही होता है कि अब क्या हो गया, एंजाइमिक एक्टिविटी इस टेम्परेचर की रेंज से बाहर चले गई है इसलिए थोड़ी कम होती हैं। उसी तरह क्या है, ऑप्टिमम पीएच, द रेट ऑफ द एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन मैक्सिमम एट पीएच अराउंड 7, बट ये रेंज कैन बी 5 to 7। जैसे हमारे अपने ब्लड का जो पीएच है वो 7.3 के आसपास है, तो ये इस पीएच लेवल के आसपास क्या होता है, एंजाइमिक एक्टिविटी बेस्ट कंट्रोल होती है। कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, कह रहे हैं द एक्शन ऑफ द एंजाइमिक कैटलिस्ट आर कंट्रोल्ड बाय वेरियस मैकेनिज्म एंड इनहिबिटेड बाय द वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कि ये सिर्फ नहीं कि एंजाइम खुद ही काम कर रहा है, उसके साथ बहुत सारे एक सेट ऑफ दूसरे मॉलिक्यूल भी हैं और वो जो सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सब इसके एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेगुलेटेड एक्टिविटी इसकी क्या है, द एक्टिविटी ऑफ द मोस्ट एंजाइम्स आर क्लोजली रेगुलेटेड। तो एंजाइम के सिक्रीशन को, एंजाइम के जो यूज़ को या एंजाइम के अब्यूज़ को सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट मीन्स एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड बाय द वेरियस अदर फैक्टर्स ऑन विच द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम डिपेंड्स। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिविट्स और कोएंजाइम्स। अभी हमने चेक किया कि ये रेगुलेटेड है, कंट्रोल्ड है दूसरे सब्सटेंसेस के साथ भी। तो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ग्रेटली इन्हेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स
और कोएंजाइम्स। दीज एक्टिवेटर्स आर मेटल आयन, सोडियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, कॉपर एक्सेट्रा विच गेट वीकली बॉन्डेड टू द एंजाइम मॉलिक्यूल एंड देयरफॉर प्रमोट देयर कैटलिट एक्शन। हमने देखा होगा हम लोग बहुत सारे विटामिन्स वगैरह या मिनरल्स खाते हैं, उसका रीजन क्या होता है? दीज विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड्स अस दीज इसेंशियल आयंस। उससे क्या होगा, जो एंजाइमिक एक्टिविटी है वो रेगुलेट रहती हैं। मोस्ट एक्टिव एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद द मोस्ट नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स, सो विटामिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट एक्टिविटी। दीज आर जनरली मेटल आयंस और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड को एंजाइम्स। द कॉमन मेटल्स जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, पोटाशियम एंड सोडियम ऑल आर वेरी यूजफुल, दे आर ऑल बट को एक्टिवेटर्स एंड को एंजाइम्स। नेक्स्ट पीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड वर्ड, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस ऑफ द इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स। द एंजाइम एक्टिविटीज कैन बी रिड्यूस्ड और इनहिबिटेड बाई द प्रेजेंस ऑफ सर्टन कंपाउंड्स नोन एज एंजाइम इनहिबिटर्स और पॉइजन्स। These inhibitors or poisons interact with the active functional group on the enzyme surface and reduces or completely destroys the catalytic activity of that enzyme. Many drugs are related to their action as enzymic inhibitors in the body. तो basically क्या होता है, जितना भी हमारा जो chemicals से जिसको आप केमिकल का यूज़ करके बीमारी को हटाना है, तो हम जो यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी का, बेसिकली वो कीमोथेरेपी में हम ये यूज़ करते हैं, हम कीमोथेरेपी के अंदर उन्हीं ड्रग्स को डेवलप करते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी वॉट्स वगैरह होते हैं जो हमारी बॉडी में, उनके एंजाइमिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दे। तो कीमोथेरेपी जो है वो एक तरह से पॉइजन या इनहिबिटर्स होती है वो बैक्टीरियल और वायरस के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ द कैटलिस्ट रिएक्शन। दो तरह के मॉडल बहुत पॉपुलर हैं, पहला है की लॉक मॉडल, दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो जो ज़्यादा पॉपुलर बैठा है वो है की लॉक मॉडल। तो की लॉक मॉडल में क्या होता है, द सबस्ट्रेट ऑन विच द एंजाइम एक्ट्स फिट्स इन टू द स्लॉट, कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है एक दूसरे के स्लॉट में बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एनी एंजाइम, एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है, इज सच दैट ओनली वन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन फिट इनटू दैट। उस पर्टिकुलर एक्टिव साइट पे एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आकर ही फिट हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो एंजाइम की सरफेस पे एक स्पेसिफिक जगह होती है, एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है जहाँ पर आगे सबस्ट्रेट आगे मॉलिक्यूल आगे चिपकता है। आर यू श्योर? देखिए जो हमने अभी पढ़ा है, देखिए हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि एंजाइम की सरफेस पे देर इज, जो एंजाइम की सरफेस है उसके ऊपर सबस्ट्रेट आगे चिपकेगा। क्लियर आपको ये बात? तो क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, पीछे देखिए आप ध्यान से। तो सबस्ट्रेट के ये स्पेसिफिक, चेक कीजिए ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। तो इसमें क्या है, ये जो सबस्ट्रेट है, जो मॉलिक्यूल है जिसने चेंज होना है, वो आएगा आके इसमें, देखिए इसकी फिटिंग में आके फिट हो जाएगी। चेक कीजिए, फिट हो गया, ये बिल्कुल फिट हो गया। अब यहाँ से देखिए ये जो एक यहाँ पर जो साइड बनी हुई है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सबस्ट्रेट ब्रेक हो रहा है, और सबस्ट्रेट ब्रेक हो क्या दे रहा है, प्रोडक्ट। ये देखिए ये सबस्ट्रेट ब्रेक हो गया प्रोडक्ट नंबर वन में और प्रोडक्ट नंबर टू में। अब दूसरा सबस्ट्रेट आएगा उसके, ये इस तरह का है तो ये इसमें फिट नहीं बैठेगा, देखिए पारे नहीं फिट बैठेगा ना, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो एंजाइम की बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे एक्टिव साइट्स बने होते हैं कि जिन एक्टिव साइट्स पर आके वो मॉलिक्यूल आके फिक्स हो जाता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल फिक्स होने का क्या होता है, उस के साथ एक की लॉक कॉम्बिनेशन बना लेगा और जो सबस्ट्रेट है वो डिजायर प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? इसको आप दोबारा समझिए, कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट नो द की लॉक मैकेनिज्म। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, their specificity is due to the presence of active sites
कि एंजाइम के ऊपर क्या होंगी, ये देखिए ये एक्टिव साइट्स हैं, क्या बेटा ये एक्टिव साइट्स हैं। द शेप ऑफ द एक्टिव साइट्स ऑफ एनी एंजाइम इज लाइक एक्टिविटी दैट ओनली ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन फिट इनटू दैट, कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आगे उस पर फिट बैठेगा। द सेम वे की फिट्स इनटू ए लॉक, द स्पेसिफिक बाइंडिंग लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विच इज अकाउंट फॉर हाई स्पेसिफिटी ऑफ द एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। देखिए ये जो एंजाइम है ये बिल्कुल फिट बैठ गया इसके साथ, क्लियर। वन से प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल रिएक्ट्स टू फॉर्म इन टू स्टेप्स, दो स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप्स में क्या होता है, पहले स्टेप के अंदर आपका जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो एक फास्ट और रिवर्सिबल स्टेप में जाते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और जो सेकंड स्टेप है उस स्टेप में क्या होता है, उस स्टेप के अंदर जो डिसोसिएट हो जाता है वो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होने के बाद प्रोडक्ट देता है आपको, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सिंस द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी एफिनिटी फॉर द एंजाइम दे लीव द एंजाइम सरफेस एंड बाय मेकिंग श्योर दैट नेक्स्ट फ्रेश न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट कैन ऐड टू इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये एक या दो नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है, हाउ एंजाइम कैटलिस्ट वर्क्स। तो ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और साथ में ये रिएक्शन आपने अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, ओके। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्टिव एग्जाम में, जैसा कि आपको दिखाया गया यहाँ पे, ये दो स्टेप में, ये स्टेप नंबर 1 है यहाँ पे, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2। तो इन स्टेप्स को अगर समझना है तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पे। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट ने आपस में कॉम्प्लेक्स बनाया तो ये फास्ट और रिवर्सिबल है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ द एंजाइम टू गिव यू दिस। तो ये दोनों आप याद रखिए, यहाँ पे आप पिछले पेज पे जाके चेक कर सकते हैं, ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है और यहाँ से यहाँ ये सेकेंड स्टेप है। क्लियर अंडरस्टूड नाउ, श्योर अबाउट दैट। तो जो स्लो स्टेप है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, क्या वही क्या है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द ईएस, जो कॉम्प्लेक्स बना है उसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, ठीक है बेटे। बहुत सारे एप्लीकेशन है जो इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, बियर और वाइन की मैन्युफैक्चरिंग है फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, कोगुलेशन ऑफ मिल्क से चीज़ बनाना, और बहुत सारे स्वीट सिरप्स वगैरह बनाना फूड प्रोसेसिंग के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। देखिए अब हम चेक करेंगे लास्ट टॉपिक, वो है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जिसको हम जियोलाइट्स बोलते हैं। ये वाटर सॉफ्टनर भी होते हैं, ये आपने क्लास 11 में पढ़े हुए हैं हाइड्रोजन चैप्टर में। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, द गुड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट ड्यू टू देयर हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास स्ट्रक्चर होता है जिसमें कैविटीज होती हैं, उन कैविटीज में क्या होता है, मॉलिक्यूल आराम से आके एड्जॉर्ब हो जाते हैं। दे आर थ्री डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट्स, सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्युमिनियम एटम्स फॉर्मिंग ए एल्युमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन नेटवर्क। जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस एल्युमिनोसिलिकेट्स। द कैटलिटिक रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। द साइज एंड शेप ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल द पोर्स एंड कैविटीज ऑफ जियोलाइट, ठीक है, दैट इज ZSM5 जो है वो क्या है, वो उसको बोलते हैं जियोलाइट सीफ ऑफ पोरोसिटी 5। ये क्या करता है, ये एल्कोहल को पेट्रोल में बनाने का काम आता है। जो जनरल फार्मूला है वो है आपका MX/N Al2O3X सिलिकॉन डाइऑक्साइड Y/M H2O। दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्युमिनोसिलिकेट्स। एल्युमिनोसिलिकेट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, जियोलाइट्स, दे आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, दे आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। देखिए ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपको, ये जियोलाइट का हॉनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है और इन स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैविटीज, क्या होती हैं बेटे, कैविटीज होती हैं। तो इन कैविटीज में क्या होता है, इन कैविटीज का जो साइज होता है वो बिटवीन 260 PM पीकोमीटर टू 740 PM होता है। तो उसमें क्या होता है, स्मॉल आयंस गेट ट्रैप्ड, छोटे आयंस होती हैं वो आके ट्रैप हो जाते हैं।
दिस इज कॉल्ड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर।